भगवान राम की नगरी में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, साथ ही भगवान रामलला के मंदिर को भव्यता भी दी जा रही है। वैसे तो जनवरी में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर दिव्य दर्शन देंगे, लेकिन इसके पहले कुछ और कवायद भी की जा रही है। ऐसी योजना है कि मंदिर में भगवान रामलला के दर्शनों से पहले भक्तों को पवन पुत्र के दर्शन मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। धर्मनगरी अयोध्या में जब कोई भक्त रामलला के दर्शन करने आता है तो उसे सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना होता है। उनकी आज्ञा के बाद ही भक्तों को रामलला के दर्शन मिलते हैं। शायद यही वजह है कि अब भगवान रामलला के अन्य सेवक हनुमान जी की भी स्थापना मंदिर में की जाएगी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी में है। गर्भगृह में सीढ़ियों पर होगी प्रतिमा। धार्मिक मान्यता है कि श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी से अनुमति लेनी पड़ती है, और इसी क्रम में कलियुग के राजा हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना राम मंदिर के प्रवेश द्वार यानी गर्भगृह की सीढ़ियों पर की जाएगी। हालांकि सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम प्रतीक और भी राम मंदिर की सीढ़ियों पर बनाए जाएंगे, जिसमें दो सिंह के साथ दो हाथी और हनुमान व गरुड़ की प्रतिमा होगी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर दाएं और बाएं ओर लगाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो जिस पत्थर से प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन्हीं पत्थरों से इन सभी प्रतिमाओं का भी निर्माण होगा। मंदिर में जो दरवाजे लगेंगे उनकी लकड़ियों के फ्रेम, दरवाजों के फ्रेम बनाने वाले कारीगर आ गए हैं। लकड़ी के बारे में आपको जानकारी है, महाराष्ट्र के वल्लहर शाह की लकड़ी है। दरवाजे और उसमें नक्काशी करने का काम हैदराबाद की एक फर्म को दिया गया है, अनुराधा टिम्बर्स। इस समय जो कारीगर आए हैं, जो प्राथमिक काम चल रहा है, वो सभी कारीगर तमिलनाडु की कन्याकुमारी के हैं। सारे देश को 2 साल बाद ये पता लगेगा कि इस मंदिर में संपूर्ण भारत का, सभी राज्यों का किसी न किसी प्रकार से योगदान रहा है।